आज के वीडियो में हम ये अम्ब्रेला घेर में नीचे कैनवास कैसे पेस्टिंग वाला डाल सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि अभी जो हेवी गाउन और लहंगा ये सब आ रहे हैं उसमें 4-5 इंच चौड़ा कैनवास का पट्टा होता है, तो उससे फिनिशिंग बहुत बढ़िया आता है नीचे का। पहले जो नॉर्मल अम्ब्रेला या कोई भी लहंगा आता था उसमें सिर्फ ऐसे ही फोल्ड कर देते थे हम नीचे से, तो इसमें अभी कैनवास का चलन आ गया है, कैनवास ज्यादातर डालते हैं, तो वो कैसे डाल सकते हैं तो वो आज के वीडियो में देखेंगे। और ये अम्ब्रेला घेर लहंगे का सिंपल कटिंग और स्टिचिंग उसके अलग मैंने वीडियो पहले से ही बनाए हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे और देखना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने नीचे से सिंपल फोल्ड ही किया हुआ है, लेकिन ये वीडियो में हम फोल्ड की जगह पे कैनवास कैसे डाल सकते हैं वो ही सिर्फ देखेंगे पूरा, तो एकदम फिनिशिंग अच्छा आता है उससे। और कैन कैन डालने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फूला हुआ ही दिखता है वो अच्छा था। तो देखिए ये हमारे पास कैनवास है, और ये नॉर्मल कैनवास नहीं है, जो जेंट्स के कफ कॉलर में यूज होता है तो वो कैनवास है। और ये इसकी शाइनिंग देखिए एकदम ही ज्यादा है, तो ये ज्यादा एकदम अच्छे से चिपकेगा। और आप इसमें पेपर कैनवास तो बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, टोटल वेस्ट होगा नहीं तो आपका, ये जो वर्क किया है उन लोगों ने चिपकाया हुआ है। अगर आप पेपर कैनवास से करने जाएंगे तो उसका फिनिशिंग उल्टा बिगड़ जाएगा, बराबर होगा नहीं, तो ये एकदम हेवी और कड़क कैनवास आता है वो डालना पड़ेगा। ये शायद 80 से 100 रुपए के आसपास का 1 मीटर आता है, और ये मैंने 1 मीटर कैनवास ही लिया था, तो अभी इसमें से थोड़ा सा मैंने यूज कर लिया है, लेकिन 1 मीटर से कम ही कैनवास चाहिए इसमें। अगर स्ट्रेट कपड़ा होता है नीचे से घेर, तो उसमें तो हम ये स्ट्रेट पूरा कैनवास का पट्टा कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन ये अम्ब्रेला घेर है तो इसमें क्या करना है कि कटिंग करने के बाद अम्ब्रेला में ज्वाइंट आता है, तो ये देखिए ये साइड कमर वाला पार्ट है और ये नीचे घेर का पार्ट है, ये जो राउंड है वो, तो इसमें ज्वाइंट आता है यहाँ पे घेरा में, तो ये ज्वाइंट मैंने कटिंग कर ही लिया किया हुआ ही है। तो अगर ऐसा कोई आपके लहंगे में ज्वाइंट है तो सबसे पहले तो ज्वाइंट लगा लीजिए, और इसका जो नीचे का राउंड है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कम ज्यादा या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से एकदम परफेक्ट राउंड कटिंग किया हुआ होगा तो ये कैनवास वाला होगा, नहीं तो फिर आपको बनाने के बाद कटिंग करना होगा तो वो बाद में कैनवास डालेंगे, लेकिन कैनवास इसमें कटिंग करके सबसे पहले कैनवास का ही काम कर लेना है, तो एकदम अच्छे फिनिशिंग से होता है और इजी भी रहता है। और अस्तर और वो सब लगा के पूरा लहंगा बनने के बाद नहीं लगाना है, नहीं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है फोल्ड करने में और घुमाने में, तो ये सिर्फ अस्तर और मेन कपड़ा कटिंग करके पहले कैनवास ही डालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये ज्वाइंट है वो ज्वाइंट में लगा लेता हूँ, उसके बाद कैनवास कैसे कटिंग करना है और कैसे डालना है वो हम देखते हैं। देखिए तो ये लहंगे में नीचे जो ज्वाइंट था वो लग गया है, ये वैसे उल्टी साइड है और ये सीधा है, तो अभी उल्टा रख के ही मैं दिखाता हूँ। और ये जो नीचे की साइड है घेरा घेर है वो साइड, तो घेरे की साइड क्या करना है कि एक परफेक्ट राउंड होना चाहिए, लंबा छोटा नहीं हो उसका खास ध्यान रखना है बस, और यहाँ नीचे ज्यादा स्टिचिंग का नहीं रखना है, आधा पौना इंच ही रखना है या ज्यादा से ज्यादा 1 इंच स्टिचिंग का ऐसा फोल्ड होगा उतना ही, तो ज्यादा फोल्ड के लिए कपड़ा नहीं रखना है। तो अब क्या करना है कि ये हमें कैनवास ले लेना है, और कैनवास को मतलब इसको बुकरम भी बोलते हैं, कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि आप कैनवास किसको बोलते हैं, कई लोग तो बुकरम है ये चिपकाने वाला, प्रेस से पेस्ट हो जाता है, तो इसको ऐसे डबल रख के हम कटिंग करेंगे, इसका जो राउंड है वही राउंड के शेप में तभी ये बैठेगा, तो इसको कैनवास को मतलब नीचे रख देना है और यहां से स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से हमने सीधा रखा है तो ये इतना राउंड आ रहा है, और ये जो इतना कैनवास है वो हमारा वेस्ट जाएगा, उसका कुछ काम नहीं है, तो इसका जितना राउंड हो लहंगे का उसी राउंड में कैनवास कटिंग करना है। तो पहले हम ये एक डायरेक्ट आपको कटिंग करना नहीं जमे तो आप इसमें पहले मार्किंग भी कर सकते हैं, देखिए चौक से मैं करके दिखाता हूँ, तो ये इसको पहले यहां से देख लेना है, ये सीधा होना चाहिए दोनों,
लहंगा भी यहाँ से बराबर होना चाहिए और ये जो कैनवास का है सीधा पार्ट वो भी एकदम सीधा, तो अपने आप ही ये जो राउंड में होगा वो राउंड बनेगा। तो यहाँ से तो एकदम फिक्स है और डायरेक्ट आपको डबल रखना नहीं जमे, तो इसके ऊपर आप दोनों को स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए राउंड हो गया, अभी ये डबल है तो ये इधर उधर हो जाएगा कटिंग में, अगर आपको ऐसा लगे तो इसके बीच में एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, तो ये दोनों पार्ट कैनवास के इधर उधर नहीं होंगे, एक ही जितने रहेंगे। तो इसको बेसिकली कितना, ये घेर कितने इंच का है वो भी एक बार नाप कर लेना है। तो देखिए देखते हैं, ये यहां से यहां तक देखेंगे तो ये 40 इंच तक मान के चलते हैं, तो 40 इंच में थोड़ा कम है, लेकिन 40 इंच में 4 गुना, तो कैनवास भी उतना ही हमें इसमें कटिंग करना पड़ेगा। और ये 5 इंच ब्रॉड रखना है, 5 इंच, तो यहां से लेके 5 इंच पे मार्किंग करते जाना है, ये 5 इंच, यहां से 5 इंच, यहां से 5 इंच, जितना हमने मार्किंग किया है वो सारे मार्किंग पे 5 5 इंच, 5 5 इंच दूरी पे मार्किंग करके ये एक जितना ही कैनवास ब्रॉड रखना है। और अब इसको हमें कटिंग कर देना है जो हमने मार्किंग किए हैं उसके ऊपर। कटिंग करते टाइम अगर आपने वो नहीं किया है, इसमें स्टिचिंग नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा कुछ वेट रख दीजिए वजन, तो जिससे कैनवास इधर उधर भागेगा नहीं। या फिर हमारे पास ये बाइंडर क्लिप है, उसको भी लगा सकते हैं आप, दोनों साइड एक एक लगा देते हैं, और नीचे से कटिंग हो जाने के बाद उधर भी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो तीन अलग अलग सॉल्यूशन है इसके, आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हैं, आपके पास मतलब जो चीज हो वो। ये क्लिप वाला ज्यादा मुझे बेटर लगता है, क्योंकि इससे कैनवास हिलता भी नहीं है और निकल भी तुरंत जाती है, अगर स्टिचिंग लगाएंगे तो निकालने में भी देर लगेगी, लगाने में भी देर लगेगी, और ये क्लिप्स का कुछ देर नहीं लगती, तुरंत हो जाता है। तो ये नीचे का राउंड कटिंग हो जाने के बाद नीचे भी दो एक दो क्लिप लगा देनी है, तो यहाँ से भी ये नहीं हिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये चारों तरफ क्लिप लग जाने की वजह से अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से डायरेक्ट हमने जो मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग पे या नीचे का भी कटिंग कर देना है। देखिए तो ये हमारे पास कितने इंच का कैनवास हुआ वो जरा देख लेते हैं, 29 इंच का है, तो 30 गिनते हैं तो 60, तो 160 चाहिए और ये सिर्फ 60 इंच ही हुआ है। तो यहां से वापस एक और पार्ट हम निकालेंगे ऐसा सेम, अभी इसमें भी यहां से इसका राउंड सेम ही होगा, अभी इसमें कुछ नीचे से नापने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे का राउंड जो है वो इसमें परफेक्ट ही है। तो यहां से सिर्फ ऐसे क्लिप लगा के इसी नाप से कटिंग कर देना है। और ये कैनवास जितना बचा है उसमें से भी एक और पार्ट कटिंग कर लेना, तो ऐसे मतलब 40 40 इंच के 4 पार्ट, मतलब 160 इंच तक हमको कैनवास चाहिए, तो 160 इंच लंबा हो जाए उतने टुकड़े आप कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए ये लास्ट वाला टुकड़ा बचा था उसमें इतना कैनवास कम पड़ा है, तो हमने जब सबसे पहले स्टार्टिंग में कटिंग किया था तो उसमें से ये कॉर्नर बचा हुआ है, तो अगर जरूरत पड़े और लास्ट में लगे कि कम पड़ रहा है कैनवास, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे जॉइंट लगा के इसके नाप का कर सकते हैं। तो अभी तो इसमें लगा ही देते हैं, एक स्टिचिंग से जॉइंट लगा के मैं इसके नाप का कटिंग कर देता हूँ, आपको भी ऐसा हो तो आप कटिंग करके कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे 6 ऐसे टुकड़े कैनवास के कटिंग कर लिए हैं हमने, तो आप देख सकते हैं इस साइड ये स्ट्रेट है कैनवास और ये साइड इस तरह क्रॉस जा रहा है, तो आपको ये खोल के देख लेना है, अगर ये बराबर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा क्रॉस है तो इसको हम कटिंग कर सकते हैं सीधा, ऐसे रख के मार्किंग कर लेना है सीधा, और सारे जो पार्ट है क्रॉस उसको ऐसे सीधा कटिंग कर लेना है, तो हमको थोड़ा इजी रहेगा। और ये क्रॉस रख के भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर फिनिशिंग कम आने की चांसेस है, क्योंकि कभी कभी ये जॉइंट जो होता है वो बाहर भी दिख जाता है, तो इसके लिए ये सब में
स्ट्रेट कटिंग कर देना है, ये जो पॉइंट है उसको। देखिए लहंगे का बचा हुआ अस्तर है, इसको मैंने चार फोल्ड कर दिया हुआ है, यहाँ से ये पूरा है और इस साइड से कटिंग किया हुआ है। तो ये कैनवास कटिंग हो जाने के बाद इसको भी कैनवास के हिसाब से यहाँ से सीधा रखना है और ये कैनवास को भी सीधा रखना है, तो अपने आप ही वो शेप में आ जाएगा। और ऊपर नीचे दोनों साइड थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के लिए और स्टिचिंग में जाए उतना कपड़ा रख के ये कैनवास के नाप का इसको भी राउंड में ही कटिंग करना है, अस्तर को भी। देखिए इस तरह से नीचे से हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा और ऊपर से भी जितना स्टिचिंग में जाए उतना कटिंग करना है। थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, फोल्ड हो जाएगा या तो फिर बचेगा तो कटिंग कर देंगे, लेकिन थोड़ा कम मत कटिंग कीजिएगा, कम करेंगे तो उसको बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसको भी 140 इंच लंबा, 160 इंच लंबा हमको चाहिए, मतलब जितना घेर है उतना। तो इसको भी फिर कटिंग करके यहाँ पे स्टिचिंग से ज्वाइंट लगा के एक लंबा पट्टा ऐसे पूरा राउंड में बना लेना है, तभी इसका अच्छा फिनिशिंग आएगा। ये सभी स्ट्रेट हो जाने के बाद अब हमें ये जो लहंगा है उसको उल्टा ही रखना है और उल्टा रख के इसके ऊपर पेस्टिंग करना है। तो पूरा ओपन कर देना है, देखिए ये नीचे का पार्ट भी इससे निकाल ही लेना है, पूरा राउंड है ये नीचे का पार्ट भी, ये घेरे का पार्ट है, साइड फिटिंग होगा वहां का है। तो ये नीचे घेरे में इसको कैनवास को पहले पेस्टिंग करते जाना है। तो एक मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये ज्वाइंट वाला लास्ट में रखते हैं, अगर कम पड़ेगा तो ये ज्वाइंट आने देंगे, नहीं तो बिना ज्वाइंट का ही बना देंगे। यहां से सिर्फ हाफ इंच या उसके जितने ही आसपास ही स्टिचिंग का जितना हम लेते हैं कपड़ा उतना ही रखना है, बाकी पूरा इसमें ले लेना है कैनवास में। और यहां से ये कैनवास बराबर रख के, और इसमें कहीं कम ज्यादा होगा तो वो अपने आप ही कैनवास के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगा। फिर एक जितना कैनवास पेस्ट हो जाने के बाद ये इतना इतना हाफ इंच स्टिचिंग का रखना है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो कैनवास के हिसाब से फिर कटिंग कर लेना है। ये एक पार्ट चिपक गया तो ऐसे आगे लेते जाना है, अभी यहां से दूसरा वाला पार्ट इसका जो था वो लगा देना है, ये दूसरी साइड वाला, ये देखिए ये यहाँ खत्म हुआ, उसके थोड़ा सा ऊपर कैनवास चढ़ा देना है तो वो अपने आप ही बराबर आ जाएगा। और ये कैनवास कहीं पर भी लूज ना हो जाए उसका ध्यान रखना है, नहीं तो बाहर से फिनिशिंग बिगड़ सकता है, मतलब कपड़ा नीचे से लूज नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, और कैनवास भी ऊपर से बिल्कुल भी लूज नहीं रहना चाहिए। इसी तरह ये पूरे राउंड में जहां तक राउंड है वहां तक ऐसे कैनवास को पेस्ट करते जाना है, एक 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 सारे। ये कैनवास पेस्ट करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर कहीं से नहीं चिपका होगा, ऐसा रह गया होगा बिना चिपका हुआ थोड़ा बहुत भी, तो इसका नीचे से बाहर से फिर फिनिशिंग कम आएगा, जहां पे कैनवास पेस्ट हुआ होगा वहीं फिनिशिंग ज्यादा आएगा इसका। तो ऐसा जहां पे लूज रह गया हो वहां पे एकदम अच्छे से प्रेस लगा के उसको चिपकाए। ये कैनवास चिपकाने में मतलब पेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एकदम प्रॉपर चिपक गया है, यहाँ बिल्कुल भी जरा भी ओपन नहीं है। तो पूरे फ्लेयर में वो ध्यान रखिए कि ये जरा भी ऐसा लूज ना रह जाए, एकदम अच्छे से थोड़ा टाइम भले लगे लेकिन अच्छे से पेस्ट हो जाए, उसका खास ध्यान रखिए। और प्रेस थोड़ी ज्यादा गर्म रखनी पड़ेगी लेकिन कपड़ा ना जल जाए उसका सिर्फ ध्यान रखना है, उसके हिसाब से थोड़ी देर लगाते रहना है, मतलब जब तक ये एकदम ना चिपके तब तक, नहीं तो इसको क्या करना है धीरे धीरे ऐसे करना, ऐसे फटाफट नहीं घुमाना है प्रेस को, वो जल्दी ले जाएंगे दूर कैनवास से तो नहीं चिपकता, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे चिपकेंगे तो ये अपने आप एक ही बार में चिपक जाएगा। देखिए ये को नीचे की डिजाइन भी अब दिखने लग गई है, कैनवास पे अच्छा सा चिपक गया है, तो ये खास ध्यान रखिएगा नहीं तो थोड़ा उखड़ जाएगा कैनवास तो उसका फिनिशिंग नहीं आएगा। देखिए ये कैनवास पूरा पेस्ट हो चुका है और ये इतना एक छोटा टुकड़ा बचा है, 6 टुकड़े कटिंग किए थे उसमें से। अभी ये पेस्ट हो जाने के बाद अब जो अनइवन है कम ज्यादा है उसको हम सिर्फ स्टिचिंग जितना कपड़ा रखेंगे और बाकी पूरा कटिंग कर देना है,
और आप जब कटिंग करे लेंगे तब 1 से 1.5 इंच ही ज्यादा लंबा रखे, तो ये कैनवास पेस्ट करने में आपको आसानी रहेगी, कहीं कम ज्यादा होगा तो फिर लास्ट में आप सबको एक जितना रख के कटिंग कर देंगे तो वो एक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा कम ज्यादा हुआ है तो उसको कटिंग करके एक जितना ही पूरे घेर में कर देना है लास्ट तक। तो देखिए ये उल्टा पार्ट है और ये सीधा है। अब हम यहाँ से इसमें जो अस्तर कटिंग किया है उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये अस्तर का कपड़ा है हमने जो कटिंग किया है वो, तो इसमें क्या करना है कि जो नीचे का राउंड है वही नीचे रखना है, मतलब ज्यादा राउंड है वो, और ये अंदर की साइड गोल है वो उसको ऊपर रखना है इस हिसाब से, मतलब ये यहाँ पे जो राउंड है उसी के हिसाब से इसमें बैठ जाना चाहिए। तो ये यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है और ये ध्यान रखना है कि जितना हमने कपड़ा रखा है उतनी ही स्टिचिंग लेनी है, कैनवास के ऊपर स्टिचिंग ना आए उसका खास ध्यान रखना है। कैनवास के ऊपर स्टिचिंग आ जाएगी तो थोड़ा सा बिगड़ सकता है फिनिशिंग। तो यहाँ से हमने 1/2 इंच जितना रखा है एक्स्ट्रा कपड़ा, तो उसके कैनवास से थोड़ा सा इस तरफ आएगा नीचे तो भी चलेगा। तो ये जो अस्तर का कपड़ा है वो पूरा घेर जितना है उतने पूरे राउंड में ऐसे लगाते जाना है। पूरे लहंगे में ये लग जाने के बाद इसको इस तरह ओपन कर देना है और एक यहाँ पे किनारे के ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है पूरी लास्ट तक। इसमें एक किनारे की स्टिचिंग लग जाने के बाद अब इसको है ना यहाँ से कैनवास हमारी साइड ले लेना है और इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और बाहर की साइड बिल्कुल ये अस्तर आना नहीं चाहिए, वैसे रखना है। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि जहाँ से हमने किनारे की स्टिचिंग लगाना स्टार्ट किया था यहाँ से, वहां से एक बार फोल्ड कर देना है अस्तर को और यहाँ पे एक किनारे की और स्टिचिंग लगा देनी है। और आप चाहें तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस लगा देंगे तो भी ये बैठ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे तो इससे अस्तर का कपड़ा बिल्कुल बाहर नहीं आएगा और ये एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। तो लास्ट तक ये पूरे में एक यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है ऐसे। देखिए यहाँ पे इसका स्टिचिंग खत्म हो रहा है, तो अभी जिस साइड खत्म हो रहा है उस साइड से इसको फोल्ड करना है। अब देखिए हमने इसको बहुत बड़ा कटिंग किया था तो ये इतना सारा कपड़ा अंदर फोल्डिंग में जा रहा है। अगर आपको फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो तो इतना भी फोल्ड कर सकते हैं, या आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं, जितना हमको चाहिए उतना रख सकते हैं। लेकिन फोल्ड इस करने में क्या ध्यान रखना है कि ये जो कैनवास हमारा ये बुकरम है वहां तक का ही फोल्ड करना है, तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए कैनवास के आजू बाजू, तभी वो बाहर से फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। तो ये यहाँ से इसको स्टार्ट करना है फोल्ड करके स्टिचिंग लगाना, और कैनवास के नजदीक ही एकदम स्टिचिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैनवास के ऊपर आ जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन जहां तक हो सके ध्यान रखना है कि कैनवास के ऊपर ना आए, यहाँ पे कैनवास के नीचे ही स्टिचिंग आए। और इसको फोल्ड करते जाना है और फोल्ड करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा शायद हमें, क्योंकि ये क्रॉस कपड़ा है तो इसमें वो लूज रखना पड़ सकता है, या कहीं कहीं प्लेट्स आए तो भी हम लगा सकते हैं, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लेट्स लगाने में। तो देखिए ये वैसे आसान है एकदम, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए ये बन जाने के बाद इसमें यहाँ पे अंदर से प्रेस लगा देनी है और थोड़ा ध्यान रखना है ज्यादा गर्म ना हो जाए, जब प्रेस लगा देंगे तो ये अपने आप ही अच्छे से पूरा बैठ जाएगा। देखिए ये बैठ गया, ये जैसे खड़ा खड़ा रह रहा है वो भी नहीं रहेगा, एक बार प्रेस अच्छे से लग जाएगी तो। तो ये पूरे में अंदर और बाहर दोनों साइड से एक बार ऐसे प्रेस लगा देनी है, देखिए एकदम बैठ रहा है ना, वैसे बैठ जाएगा। तो देखिए प्रेस लग जाने के बाद इसका फिनिशिंग कुछ एकदम ऐसे दिखेगा, आपको साफ साफ नजर आता होगा चेंज। यहाँ पे आप जहां तक कैनवास डाला है वहां पे देख सकते हैं एकदम अच्छा फिनिशिंग है, बिल्कुल भी क्रीज नहीं दिख रही, और इस साइड यहाँ पे क्रीज 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 दिख रही है, और यहाँ पे ज्यादा शाइनिंग आपको दिख रही होगी इस कपड़े से। तो ये यहाँ पे ऐसे एकदम अच्छा नहीं दिख रहा होगा।
तो ये पूरा बन जाने के बाद और भी इसका लुक एकदम अच्छा आएगा। तो ये पूरा बन जाने के बाद भी अभी दिखाता हूँ कैसा बनता है। तो अभी जैसे हम फिर नॉर्मल लहंगे को स्टिच करते हैं वैसे ही कर देना है। ये घेरा में कैनवास कैसा डालते हैं वो इसमें एकदम फिनिशिंग से बताया है, क्योंकि ये सब अभी गाउन में और सब में चल रहा है, और इसमें केन केन फिर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसका अच्छा घेर दिखता है, ये 4 मीटर है फिर भी। तो चलिए अब ये इसको पूरा कर देते हैं, और ये पूरा बन जाने के बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा लहंगा बन के रेडी हो गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा घेर बहुत अच्छे से बाहर से भी दिख रहा है, और ये नीचे से भी आप देख सकते हैं कि इसमें कैनवास हमने डाला है तो कितना अच्छा फिनिशिंग दिख रहा है। और बाकी में क्या होता है कि घेर पूरा अंदर चला जाता है, बाहर दिखता नहीं है। तो इसमें ये घेर बहुत अच्छा दिखता है, पूरा केन केन भी नहीं डालते हैं तो भी। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अभी ज्यादा चल रहा है। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।